नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको वीडियो शुरू करने से एक बात और पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये केवल डिफेंस के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, जो कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो फोर्सेस के नाम लिखे हुए हैं, इनके रिटन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, दप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? ठीक है, तो भारत के जो तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल भाषा, तो ये भाषा जो है वो तमिल भारत के अलावा और किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो ऑप्शन है आपके श्रीलंका और मलेशिया, मॉरिशस और सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगापुर और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, साबरीमाला किस प्रदेश में है? साबरीमाला किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। जी हाँ दोस्तों, साबरीमाला जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रमन किस देश का त्योहार है? रमन किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो रमन है वो उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सूर्य मंदिर कोणार्क में है जो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है जो, मीनाक्षी मंदिर मदुरै और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य मंदिर कोणार्क। जी हाँ दोस्तों, सूर्य मंदिर जो है जो कि कोणार्क में स्थित है उसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? ठीक है, काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मैसूर एंड ऑप्शन डी पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए औरंगनाथ, ऑप्शन बी बृहदेश्वर, ऑप्शन सी एरवातेश्वर एंड ऑप्शन डी है आपका कैलाशनाथ। ठीक है, कैलाशनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कैलाशनाथ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है दोस्तों 8 दिसंबर, ऑप्शन बी है आपका 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो झंडा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी है आपका 27 दिसंबर को, ऑप्शन सी है आपका दोस्तों 25 दिसंबर को एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 के तहत इनके लिए जो है वो आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको सिलेक्ट करके लेके आता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ एक बात कि ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डिफेंस एग्जाम है इसमें कॉन्स्टेबल या फिर अगर आप आर्मी की वैकेंसीज देखेंगे तो आपको जीडी में, अगर आप भर्ती देखेंगे तो आपके लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मतलब थोड़ा सा अप लेवल में जाते हैं जैसे एस आई तो आपको इनसे थोड़े से हटके क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेबल के पदों के ये क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मैं आपके लिए केवल ये क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। इसमें आपको ऐसा लगता भी होगा कि ये काफी सरल क्वेश्चंस हैं, ये नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम्स में जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिन पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और आप एग्जाम्स में फिर इन क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए मेरे चैनल पर दिन में 12 बजे एक जनरल नॉलेज की वीडियो आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक दोस्तों मैं काफी कारणों से वीडियो को कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो आज के बाद मैं आपको दिन में 12 बजे, ठीक है। मैंने एक सर्वे किया था चैनल पे पोल डाल के, जिसमें काफी करीब 89% लोगों ने दिन में 12 बजे का टाइम रखा है कि सर हम 12 बजे फ्री होते हैं, हम 12 बजे वीडियो देख सकते हैं, इसलिए आप अपने वीडियो जो है वो 12 बजे ही अपलोड करें जिससे हमारे पास में नोटिफिकेशन आए और हम वीडियो को देख लें, ठीक है। तो आज से आपके लिए हमारे चैनल पर दिन में 12 बजे एक जनरल नॉलेज की डेली वीडियो मिलेगी, उसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों से भी कहें डिफेंस के एग्जाम्स के लिए दोस्तों अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो चैनल है वो आपके लिए एकदम बेस्ट चैनल है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिया भी है डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है ये, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि दोस्तों मैं जो वीडियो है वो केवल डिफेंस के एग्जाम्स के लिए ही बनाता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और अदर डिफेंस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।